अस्सलाम वालेकुम पाकुलस, मेरा नाम है सुनील मंज। मैं पाकुल यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम फरहान साहब की गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं। इससे पहले फरहान साहब ने प्रोटोन सागा ली थी और थोड़े अर्से रखने के बाद फ्यूल एवरेज की वजह से बेचारे बहुत तंग थे। फिर उन्होंने यारिस लेने का प्लान किया, आप सबने देखा होगा, हमने पहले भी ब्लॉग बनाया था। तो आज हम फरहान साहब की गाड़ी का रिव्यू करने हैं। फरहान साहब, कौन सा मेक मॉडल वेरियंट है आपकी गाड़ी का? सर ये यारिस है, बेस वेरियंट है यारिस का, मैनुअल 1.3। हाँ जी, GLI। ठीक है, और ये आपने कितने में ली थी? सर ये 24,900 की इन्वॉइस थी। अब तो मैंने पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन पर जाके देख रहा था, 26,25,000 की इसकी इन्वॉइस है। इसमें विद होल्डिंग टैक्स भी डल जाता है 50,000, और उसके अलावा फिर ऑन रोड प्राइस आपने देखनी हो तो पॉप वैरन पर क्लिक कर सकते हैं, तो वो तकरीबन 20,000 या पड़ जाती है। उस जमाने में मुझे मेरे से 25,500 की पड़ी थी। आपको 25,500, अभी 5-6 महीने पुरानी बात। ठीक है, और हम हमेशा यूजर से समझने की कोशिश करते होते हैं। तो आपका डिसीजन ये था कि पहले आपने वैगन आर बेची और आपने कहा मैंने डिगी वाली गाड़ी लेनी है, तो आपने पहले ली थी सागा। हाँ जी, सागा में आपको फ्यूल एवरेज आपने मेरे से बहस की, फिर आप मान गए कि ठीक कह रहा था मैं। हाँ, फ्यूल एवरेज का भी उसका एक कंसर्न था, और दूसरा आपको पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का टाइम ने आपको प्रूव किया कि आप ठीक कह रहे थे। हाँ जी, अभी CKDs उसके आ तो गए हैं, मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं की, बट वो थोड़ी स्लगिश है कंपनी। आपका मकसद ये था कि आप ऐसी गाड़ी लें जिसके पार्ट्स बड़े इजीली अवेलेबल हो, क्योंकि आप डॉजिंग कार खेलते रहते हैं। डॉजिंग कार नहीं खेलता, मेरी गाड़ी वैसे भी शूट्स में भी यूज होती है, कोई बाकी लोग भी चलाते हैं, तो मुझे था कि यार कोई किसी से भी। और फ्यूल एवरेज अच्छी हो, फ्यूल एवरेज, इसलिए यारिस लिया। हाँ जी हाँ जी। सिटी क्यों नहीं ली? सिटी जो थी सर वो थोड़ी महंगी भी थी, ठीक है, और उसके अलावा वो मेरे ख्याल से इसके बाद लॉन्च हुई थी जब मैंने ली है ना, और वैसे भी मुझे जो है ना, मतलब आप भी चलाइए और मैं कहता हूँ कि यार बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, वो स्टेबल नहीं है और भागती भी इससे कम है, हमने ड्रैग रेस में प्रूव किया वो, तो उसकी पावर भी कम है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी एड लगाएं, डे लाइट में पिक्चर्स लें, एड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर एड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40,00,000 जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। या आप इतना रश वाले एरिया में जा क्यों रहे हैं? सर मैं रिंग रोड पे चढ़ना है और मेरा वॉलेट सर 50 रुपए देने हैं। मेरे पास तो जिंदगी में कभी 1 रुपया कैश नहीं है। तो क्या आपने M-Tech नहीं लगाया? M-Tech लगा हुआ है लेकिन उसमें पैसे तो यहाँ से पैसे डलवा लेना, वो सामने M-Tech वाला। अच्छा, M-Tech मोटरवेज पे भी चलता है, M-Tech रिंग रोड पे भी चलता है, वो आगे से राइट पे, वो सामने। अच्छा, पर ये ख्वारी बड़ी है, तो आप ये ख्वारी से वैसे बच भी सकते हैं। कैसे यार, बल्कि छोड़े ना, पैसे है ना मेरे पास। M-Tech ID बताएं, अभी इजी पैसा है आपसे, अभी आपको ट्रांसफर करें। M-Tech ID कहां से पता लगता है? M-Tech ID आपको मैसेज आता है उनका एक। अच्छा, जिसमें वो आपको बताते हैं। अच्छा, जो 1133 से आता है मैसेज, आता है ना उसमें, आपको आता है कि आपकी गाड़ी एग्जिट करके एंटर करनी है। मेरे से चलते में मोबाइल यूज करना मानी, आप ना करें, खोले देख रहे हैं, लंबी लाइन है, आप यहां पे रुके। लेकिन आई थिंक ये फिर इनको एजुकेट करना चाहिए ना, ये बड़ा मतलब वो तो देखिए डिजिटाइज कर दिया, बट इसको जो है ना, मतलब ये तो मैंने देखे ना कई दफा, अल्टीमेटली आप इधर भी रुक रहे हैं, आपने जो टोल पे रुकना होता है, तो ये मैंने कई दफा जिंदगी में जलालत उठाई है, उसके बाद मैंने सीखा है। आप ये इसके पीछे लगाएं डब्बे के, मैं इधर लगाता हूं, और ये डब्बा भी आई थिंक वो करता है, इन्हीं का है, और ये इस पे भी आप रिचार्ज करते हैं। इस पे रिचार्ज वो अक्सर कभी होता है, बैटरी डाउन है, ये है, इधर लाइनें लगी हुई है। मेरे साथ कई दफा हुआ है कि यहाँ मोटरवे पे जब चढ़ गए तो फिर तो भेरा और सारे स्टेशन पे भी कर सकते हैं, लेकिन चढ़ना कैसे? M-Tech ID है 116। एक मिनट, ये आपने इजी वैसा पे गए, टॉप अप पे गए, टॉप अप के अंदर नीचे FW पे आए, यहाँ पे एंटर M-Tech ID 116। हाँ जी, आगे 77 219 219। सबको आपका ID पता लग गया, सारे टॉप अप करवाए। कितने पैसे सर? 100 रुपया। 30 रुपए से 20,000 रुपए तक। कितने 55 रुपए होते हैं? आपने फैसलाबाद नहीं जाना? 110 कर देना, 2,000 रुपए का चार्ज कर ले। नहीं सर, नहीं, 110 कर दे यार, 1,000 रुपए कर ले, कर दे फैसलाबाद नहीं जाना, 1,000 रुपए करके। मेरे पास कैश नहीं है, बाद में ले लेंगे यार, रिचार्ज पे नाउ। हाँ जी। अच्छा, 20 रुपए फी और टैक्स भी लिया उन्होंने, तो खुआरी आपकी 20 रुपए में बच गई। अच्छा, 20 रुपए टैक्स भी लिया? अच्छा, पेड हो गया 1,020 रुपए में, 1,000 रुपए चार्ज आया, देखे आया आपने? अच्छा, 20 रुपए 1,000 के पीछे, पर ठीक है। हाँ, ये कोई मैसेज तो आया, मैसेज तो आया। अच्छा जी, हाँ हो गया, हो गया। मुबारक हो, थैंक यू सर, थैंक यू। ये मैं आपसे बात दो तीन दिन और, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं ना, मैं तो कर नहीं सकता, आपसे करवाया। इजी पैसा डाउनलोड कर लेना, क्या इशू है? इजी पैसा के लिए बड़ा इजी है, मैंने भी कल अपना अकाउंट बनाया है, बड़ा इजी है। आपका मोबाइल नंबर जो है वो आपका अकाउंट नंबर है। अच्छा, ठीक है, आपने इजी पैसा की ऐप डाउनलोड करनी है, अपना आईडी कार्ड नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, उधर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और पहली बारी में मेरे ख्याल फ्री बैलेंस भी उन्होंने मुझे दिया 50 रुपए। अच्छा, उसमें सिर्फ ये नहीं है, आपके पास बहुत सी ऑप्शन है जो आप दे सकते हैं। आपने ग्रोसर ऐप से ग्रोसरी करनी है, ये आप यहाँ से पे कर लें। कार रिलेटेड क्या? गाड़ी से रिलेटेड मैंने अपनी गाड़ी के टोकन पे किए।
अच्छा इजी पैसा के थ्रू, इजी पैसा के थ्रू। सो आप बेसिकली जाएंगे पंजाब ई पे ऐप पे जाएंगे, पंजाब ई पे ऐप से आप अपनी गाड़ी का डिटेल डालेंगे, वो आपके टोकन की अमाउंट बताएगा, वहाँ से एक PSID जनरेट होगी। हाँ। वो PSID आप इधर आके रेफरेंस नंबर में डालेंगे, गवर्नमेंट पेमेंट, और वो पेमेंट हो जाएगी और चलान भी हो जाता है। चलान चलान मेरा हुआ नहीं लेकिन हो जाते हैं। मैंने पिछले दिनों हमारे दोस्त गुड्डू साहब जो है उनकी गाड़ी के वो भी थे मेरे ख्याल 30 के करीब चलान थे, और वो सेफ सिटी के जो चलान है वो सारे भी हो जाते हैं इसके अंदर, तो वो भी। अच्छा ये अब जो है बैरियर ये खुद ही ऊपर, अच्छा ये फुल मोटर पे वाला सीन बना दिया। हां ये ऑटोमेटिक है और बैलेंस भी आ रहा है मेरा, बैलेंस दिया तो आएगा ही नहीं यार, मतलब आपका नहीं, मैंने कहा वो उसकी जो स्क्रीन है, आपका ख्याल है हमारे नोटों में जान नहीं है, डिजिटल हमारे पास करेंसी है। तो आप कह रहे हैं कि एम टैग पे हो जाता है, इसके अलावा चलान पे हो जाता है। अगर मैं उनका इश्तिहार बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, बहुत सी चीजें, बट मुझे नहीं पता बहुत सी चीजें हैं, लेकिन गाड़ियों से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने अपनी गाड़ी के टोकन पे किए, मैंने अभी अपनी गाड़ी का एमटेक रिचार्ज किया था उस दिन। अच्छा। क्योंकि मैं मोटर पर जा रहा था, वो बहुत बड़ी लाइन थी, मैंने कह रहा इसका कोई तो तरीका होगा, तब मुझे पता लगा कि इस पर भी होता है। सही है, तो इसीलिए मैंने डाउनलोड की थी ऐप, वापस की बात है फ्रेंकली स्पीकिंग। और तीसरा जो है आप जितने चलान है आपके सेफ सिटी के चलान है या डिफरेंट, मतलब सारे सुबहों के मैं देख रहा था, मैं इस पर कर गया था ना टोकन के लिए, सिंध के, पंजाब के, केपी के, इसी तरह चलान भी डिफरेंट सिटीज के आप सारे से पे कर सकते हो, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक और भी सर्विस है तेजी पैसा की, हमारी अभी रिसेंटली इनके साथ पार्टनरशिप हुई है, और अगर आप अपनी गाड़ी जल्दी भेजना चाहते हैं तो अपना ऐड फीचर करा सकते हैं थ्रू इजी पैसा, और उस पर आपको 10% ऑफ मिलेगा, और स्टे ऑन टॉप और अपनी गाड़ी आप जल्दी भेज सकते हैं क्योंकि आपका ऐड सबसे पहले नजर आएगा जब आप फीचर कराएंगे। तो बाद व्हील पे आप इजीली ऐड भी फीचर करा सकते हैं। तो सर मेरी गाड़ी का काफी सर्विस जो है उस पे हो सकती है, हमारे ऑटो स्टोर पे भी आप कर, बट लेकिन हम आगे डिस्कस होंगे, हम गाड़ी के रिव्यू से शुरू हुए थे, कहां-कहां चले गए। अच्छा तो आपने गाड़ी ले ली, उसके बाद से आप जो सबसे पहला पेन पॉइंट था पार्ट्स का, वो तो हल हो गया कि हर गली कोने से आपको पार्ट मिल जाता होगा टोयोटा का। हां फ्यूल इकोनॉमी का बताएं, फ्यूल इकोनॉमी सर ये देखें 14.5 शो करा रही है सर, मैंने मेजर भी किया है तो 14 अराउंड सिटी में मुझे मिल रही है, सिटी में 14 विदेशी विदेशी। और सिटी आप किसको काउंट करते हैं, यहाँ से रिंग रोड से जो आप शहर के बाहर, मैं मतलब शहर के बाहर, हाँ मतलब एवरेज कम्यूट आपका 30-40 है ना? हाँ मेरा अराउंड 60 है मेरे से आना जाना। ठीक है, तो उसमें आप सिटी के अंदर से आते हैं कि रिंग रोड से आते हैं? नहीं सर रिंग रोड से नहीं आता, मैं नहर से आता हूँ, अंदर से आता हूँ, सिटी की आपको 14 मिल रहा है, 14 और आप जो फैसलाबाद जाते हैं उसके सर 15-16 लैलपुर जाते हैं 15, मतलब थोड़ा सा दबा के चलाएं तो 15 मिलती है, अगर इजी चलाएं तो 17 तक भी आपको मिल जाती है। सर्दियों में तो मैंने एक-एक और बढ़ जाती होगी, ये सर मिक्स ही है, मतलब अभी सर्दियां चल रही हैं तो मैं अभी आपको बता सकता हूँ, और ये मैंने गाड़ी भी जो है ना सर्दियों वाला पार्टी ज्यादा गुजारा है, इस पे एसी कम ही चला है, अभी चल रहा है, और शुरू में जब हम गर्मी में, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ यूजर्स के लिए कि शायद एक एक किलोमीटर नीचे आ जाए, 12-12.5 हो जाएगा। ये मैंने गाड़ी ली है तो साथ ही मेरे वालदा ने जो है एटिव जो है ना इसका CVT वाला वर्जन वो लिया, वो ड्राइवर ही चलाता है, बट उसकी जो एवरेज है वो 13.5 मिल रही है फैसलाबाद में। ठीक है, पर 0.5 का फर्क पड़ गया, मुझे था कि ज्यादा फर्क होगा, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 200 रुपए पेट्रोल जाएगा, तो अगर मैं मुझे दोबारा अगर मौका मिले तो मैं CVT लूंगा। आपकी एक्सपेक्टेशन लेने से पहले ये थी कि बड़ा इंजन ज्यादा पेट्रोल खाएगा और छोटा कम खाएगा? वो 80X नहीं है, वो 80 है, 80 है, मींस के जो इससे ऊपर वाला वेरिएंट है और उसके अंदर वो है CVT है, 1300 CVT। और अगर सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो इसके अंदर बहुत अच्छे सेफ्टी फीचर्स हैं, इसमें ABS है, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, और दो एयरबैग हैं, हाँ जी, और ब्रेकिंग बहुत इम्प्रेसिव है, करोला से तो आई थिंक 3X ऊपर है ब्रेक्स जो है ना, क्रूज कंट्रोल नहीं है ना इसमें सर, क्रूज कंट्रोल ये बेसिक गाड़ी है, और आपने पार्क भी लोटस वाले से आ रहे हैं, वैसे ये बात है लोग समझते हैं कि जो है ना 80X में सिर्फ लगता है, ये हर में इवन मैनुअल में भी लगता है, ये लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि शायद मैनुअल गाड़ी में क्रूज नहीं होता, मैनुअल में क्रूज, हां मैनुअल में भी लग सकता है, और पांचवें गियर पे नॉर्मली आप क्रूज भी लगाएंगे तो आपके लिए 90 से 120 है ना, आप जब जाते हैं फैसलाबाद वीकेंड पे पांव जो थकते हैं। हां वैसे ये तो है, अभी मेरे दोस्त ने 80X ली है और पार्क व्हील से यूज ली है, उसमें पहले से ही रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी है और वो भी लगाया, और उसे पार्क व्हील
व्हील्स ऑटो स्टोर से लगाया और बड़ा रिलायबल है, वो तो बड़ा खुश है। इसमें रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी नहीं है? नहीं सर, इसमें ये है ही नहीं। आर से हम कहां चले, कहां आए, तो रिट्रैक्शन नहीं है। सिटी ने ये किया है, मेरे ख्याल से सिटी ने आपकी आवाज सुन ली है, उन्होंने हर गाड़ी में दो एयरबैग्स और रिट्रैक्टेबल मिरर्स। नहीं, एयरबैग वाली तो उनको सुननी चाहिए थी, बिकॉज अभी लास्ट ईयर तक सिटी के टॉप वेरियंट में भी एयरबैग नहीं था, जो की एक शेम थी। मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने अगर अच्छी चीज ली है की है, और हम हमेशा बात ये करते हैं क्रिटिसिज्म फॉर क्रिटिसिज्म हम नहीं करते, कोशिश ये होती है कि बेटरमेंट के लिए है। तो अब मुझे ये बताइएगा कि आपने ये ले लिया, एक तो आपने कहा सेफ्टी फीचर बड़े अच्छे हैं, लेग स्पेस भी तो बहुत बेहतर होगी। सर लेग स्पेस बहुत इंप्रेसिव है इसकी, आई थिंक सीट इतनी पीछे हो जाती है जितनी आई थिंक रोला की भी नहीं होती। और इसकी जो मिसकंसेप्शन है ना, पीछे के लेग रूम नहीं है, और इसकी सीट का देखिए ना फैब्रिक कितना मजेदार है, और बाकी वेरिएंट्स में ना इसके ऊपर वो हुआ हुआ है, जैसे ये डोर्स पे नहीं हुआ कपड़ा लगा हुआ है, इस पे फोमिंग और वो कपड़ा चपड़ा नहीं लगा। अच्छा, इसमें एसी सादे वाला डिजिटल नहीं है? नहीं, सादे वाला सिर्फ वो 80X में है, जो मैनुअल और ऑटोमेटिक है। और ये जो हेड यूनिट है इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है? हाँ जी है, और इजी है। और पहले जो था बड़ा मुश्किल होता था ना, आवाज चली जाती कि ले लो गाड़ी, ले लो गाड़ी, ले लो, ऊंची ऊंची बोलना पड़ता। सही है, बस गुजारा है, मतलब बुरी भी नहीं अच्छी भी नहीं है। जो प्रोटॉन थी उसमें अच्छा था, उसमें यहाँ ऊपर माइक लगा हुआ, इधर भी वैसे कुछ है, माइक ही है। नहीं माइक नहीं है, उसके अंदर वो नहीं है। अच्छा माइक नहीं, माइक ये है। अच्छा बड़ा छोटा सा माइक है इसका। अच्छा, और इसके अलावा ये भी अगर स्टेबिलिटी की बात करें, बिकॉज देखने में मुझे ना यारिस थोड़ी ऊंची ऊंची लगती है, मैंने इसका रिव्यू किया था ना, तो अगर आप इसको सिटी से किसी और कंपेयर करें, ऐसा लगता है उठी हुई है, तो वन वुड थिंक कि यार इसके अंदर स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है। तो हाई स्पीड पे स्टेबल है? सर हाई स्पीड पे स्टेबल सही है, अगर सिटी से कंपेयर किया जाए तो काफी बेहतर है। एल्फिन से कंपेयर किया जाए तो 19-20 का फर्क है, एल्फिन से 1 पॉइंट नीचे है और सिटी से 2 पॉइंट अप है। बॉडी रोल है? हाँ बॉडी रोल है इसके अंदर। प्रोटॉन सागा जो थी वो इस चीज में बहुत इम्प्रेसिव थी सर, वो तो मेरे ख्याल से जब गाड़ी ये ट्रक गुजरता था ना पता भी नहीं लगता था मुझे, तो सिविक रॉक सॉलिड गाड़ी थी। हाँ उसका ये है, उन्होंने जो मतलब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्यूल बहुत महंगा है, तो वही बात है ना, वो जितनी हैवी है उतना फिर उसकी फ्यूल कंजम्पशन थी। इसमें मेरा ख्याल है जितनी भी नई गाड़ियां आ रही है, खासतौर पे जो इकोनॉमी सेगमेंट की गाड़ी आप कह सकते हैं इसको, खैर अब इकोनॉमी तो नहीं रही है अभी, जितनी की सिविक एक्स और ग्रैंडी आती है उतने में भी आती है, लेकिन इनकी ग्लोबली बेसिकली फ्यूल प्राइसेस इतनी ज्यादा चली गई ऊपर कि फ्यूल इकोनॉमी गाड़ियों की पहला कंसर्न उन्होंने कर दिया। अच्छा जी, फ्यूल इकोनॉमी के फिगर्स हो गए, ये हो गए। अच्छा, देखने में ऊंची तो लगती है, तो फिर ब्रेकर वगैरह तो बिल्कुल लगती होगी? लगती है बट मुझे एग्जैक्ट नहीं फिगर याद, बट आप पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन पे जाके देख सकते हैं। इसकी सस्पेंशन में वो बहुत है, ट्रेवल बहुत है, जैसे करोला में नहीं है, मतलब कंफर्टेबल इसको बना दिया है। इस वजह से जो है ना, अभी मैं गाँव गया था तो वो थोड़ा सा तेज गुजारो ठक लगती थी ब्रेकर पे। हाँ ब्रेकर पे था, मेरा ये ख्याल था कि नहीं लगती होगी। सिटी और ये अगर आप सागा पे जाते हो ना, उनकी टफ ही इतनी है कि वो जब आपको ट्रैवल नहीं मिलता। अच्छा वो स्टेफ है, ये स्मूथ होने की वजह से आप कह रहे हैं कि इसमें इतना हुआ जाता है कि झोल के उसकी वजह से लगती है, लेकिन प्यार से गुजारने तो गुजर जाती है। अच्छा, एक हम इसके पार्ट्स की प्राइसेस के पहले दिनों बात करते थे जब आपके माशाल्लाह शीशा शरीफ चोरी हुए थे, तो पार्ट्स की प्राइसेस जब आपने गाड़ी ली थी, आपने कहा अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तो पार्ट्स की प्राइसेस खुश है? सर प्रोडक्ट्स की प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा है, बट ये नीचे आई हैं। शुरू में जब यारिस लॉन्च हुई थी तो ऊपर थी, पार्ट्स की प्राइसेस जो है वो नीचे आई हैं, और उसके अलावा इसके आफ्टर मार्केट पार्ट्स भी अवेलेबल हैं। ये नहीं कि आपने OEM ही लेने हैं, बट मैंने इंश्योरेंस कराई हुई है पार्क व्हील्स से ही, पार्क व्हील्स पे हमारा डैशबोर्ड है, और उधर से मतलब मैंने अपनी मर्जी की जो मुझे कंपनी पसंद थी, और मुझे बड़े अच्छे डिस्काउंटेड रेट में मिल गया था। नहीं आपको पार्क व्हील्स से डिस्काउंट मिल सके, सबको मिलेगा? सबको मिलेगा, पार्क व्हील्स की वजह से नहीं मिला था, हमारी ऑफर्स चल रही होती हैं, अभी जुबली की चल रही है और एक और डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट ऑफर्स हैं जो हमारे वाले हैं। हाँ वो मतलब कि हम वो दिखाते हैं, हमने सोशल मीडिया हमें फॉलो करते हैं, तो हम तो उसके लिए बेसिकली मैं बता दूं, लोग अक्सर पूछते हैं कहाँ जाना है, पार्क व्हील्स मेन वेब पेज पे जाए, वहाँ पे इंश्योरेंस का टैब है, नहीं तो parkwheels.com/car-insurance लेके भी आप जा सकते हैं वहाँ पे, और डिफरेंट जो इंश्योरेंस पार्क व्हील स्पेस इंश्योरेंस गूगल करें सीधा आपको मिल जाएगा, या पॉपअप बैनर पर क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। अच्छा, तो पार्ट्स लेकिन आप कह रहे हैं महंगे, अगर इंश्योरेंस नहीं कराई तो काम हो सकता? हाँ जी हाँ जी, इंश्योरेंस कराई हो तो फिर तो आपको इतनी टेंशन नहीं है, वरना मुझे याद है मैंने आपको बताया कि अवेलेबिलिटी है DRL थी। सर बेहतरीन बात ये है ना कि अगर आपकी वेजल है या कोई जवानी गाड़ी है, आपको हफ्ता हफ्ता वेट करना पड़ता है, ये आपको एक दिन में मिलते हैं।
और छोटी मोटी चीजें थी काफी, वो इसके अंदर पर्क्स नहीं है, बट टोयोटा है सर, रिलायबल गाड़ी है, टफ गाड़ी है, और स्टेबिलिटी मैं सागा की बहुत मिस करता हूँ। स्टेबिलिटी जो है ना, स्टेबिलिटी मिस करते हैं, और उसमें सेफ भी ज्यादा फील किया जाता था, मतलब कि मतलब मुझे ज्यादा सेफ्टी फील होती थी क्योंकि वो जरा सॉलिड भारी सी फील आती है ना। एक तो आपने कहा कि जी पर्क्स आपके पास ये आ गया कि जी उसके, हाँ, और मे बी मैं एटिव ले रहा था, एटिव ले रहा था तो एटिव मैं इसलिए नहीं गया, और एक तो उसके अंदर यहाँ उन्होंने क्रोम श्रोम लगा दिया है इस तरह की चीजें, और दूसरा ये गियर के ऊपर भी ये सिल्वर कर दिया है, बट मुझे ये रिग्रेट होता है, मुझे ऑटोमेटिक ले लेनी चाहिए। होंडा शरीफ देख लेना, नहीं आ गई है, देखने पे भी पैसे ना लगे जितनी गाड़ी की प्राइस है, शायद देखने के भी पैसे होंगे। आपने देखी है? आपने कहा जी एक तो मुझे उसमें अलॉय व्हील्स की थी मिसिंग है, टीवी भी था उसमें ना, टीवी भी था, छोटा सा था, इसमें सिर्फ ऊपर टॉप ऑफ द लाइन में मिलता है आपको, एटिव में भी नहीं मिलता, एटिव में भी ये नहीं है। उसके अलावा टायर भी जो है ना वो लोकल है, टायर जो है ना उसकी रोड नॉइज काफी ज्यादा है, मे बी व्यूअर्स जो है वो सुन रहे होंगे, तो रोड नॉइज जो है ना वो मुझे हम अभी रिंग रोड में 90 में 120 पे ना बहुत ज्यादा अनोइंग हो जाती है, ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से एडवन डीबी या इस तरह के आपके पास टायर नहीं है। अच्छा, वो इससे एक टीयर आप एटिव में जाके आपको मिलते हैं, ठीक है। और क्या मिस करते हैं इसके अलावा सर? अलॉय व्हील मिस हो गए, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन करता हूँ वो तो मैं ले सकता था ऑब्वियसली, बट मैंने थोड़ी जल्दबाजी की और अवेलेबल गाड़ी थी जल्दी तो मैंने फॉरन ले ली, तो ये वाली चीज है। उसके अलावा डिगी की स्पेस कैसी? डिगी स्पेस बहुत फिट है मेरे ख्याल से, एट पार विद क्रोला। चाइल्ड सेफ्टी कैसी है इसमें? ऐसा भी आपकी बेटी की आप बोलते हैं इसमें? वो भी, बल्कि मेरा सेडान पे शिफ्ट ही मैं इसलिए हुआ था कि मैं सेफ्टी की वजह से ना मुझे वो वैगनार में, और उसके बाद मैं बेबी ऑल्टो पे भी शिफ्ट होना चाह रहा था कि बहुत सारे मेरे दोस्तों ऑल्टो ले रहे थे, मैंने कहा कि वैल्यू फॉर मनी किया था, तो बल्कि ले भी ली थी घर पे, बट वो फिर बेच दी के। अच्छा, ऑन मिल गया होगा? नहीं नहीं, ऑन की बात नहीं है सर, वो ना मैंने एक आधी वीडियो देखी जिसमें वो ना बिल्कुल एडाप्टिव क्रूज फोल्ड हुई हुई थी। अच्छा, फोल्ड हुई हुई थी। अच्छा, नहीं वैसे मैं आपको बताऊं, आपस की बात है, जो वीडियोस चलती ना सोशल मीडिया पे हर बात पे मत जाया करें। पहले दिनों एक सिविक की वीडियो पड़ी, लोगों ने कहा जी आप इस पे आवाज क्यों नहीं उठाते, वो दो हिस्सों में हो गई और ये हो गया और वो हो गया। देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द कॉइन वाली बात सर, ये बात है, बट स्टोरी होती है दुनिया में। आप कोई, आपने डायना का एक्सीडेंट देखा था? मर्सिडीज W140 आती थी एस क्लास, उस जमाने की सेफेस्ट गाड़ी थी, वो ऐसे मुचड़ गई थी, वो तो आप इम्पैक्ट बाद में नहीं बता सकते किस स्पीड पे था। अब जो मोटरवे पे सिविक का जो लगा था, लोगों ने बोला कि जी ब्रेक फेल हो गई थी और वो बंदा बेचारा बच गया। मेरा सवाल ये था कि अगर गाड़ी की क्वालिटी बुरी थी तो उसको एक भी खराश नहीं आई थी। लेकिन सर देखिए ना, ABS है, ये सारी चीज उसमें भी है, बट अगर आप सेडान अफोर्ड कर सकते हैं और आपका हाईवे का ट्रैवल है, जैसे मैंने फैसला बैक एंड फोर्थ जाना पड़ता है, तो आई थिंक सेडान पे चले जाना चाहिए आप। हाँ नहीं बिल्कुल, ऑब्वियसली देखिए, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो पहले मोटरसाइकिल लेता है या साइकिल लेता है, फिर मोटरसाइकिल ले, फिर उससे बड़ी मोटरसाइकिल ले, फिर गाड़ी ले, फिर बड़ी गाड़ी ले, तो सेडान से हैचबैक का सफर तो वैसे भी एक, आप कहते हैं ना, इंसान की एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के सक्सेस। मेरे लिए नहीं है, मेरा तो बड़ी यूटिलिटेरियन सी अप्रोच है मेरी जिंदगी में। आई थिंक मैं अगर अरबपति भी हो जाऊं तो फिर भी मेरी ऐसी अप्रोच रहेगी। किसके पति हो जाएं? अरबपति भी हो जाऊंगा, अरबपति बनना रहेगा। किसके पति बनना चाह रहे हैं? मैंने कहीं रिव्यू घर पे भी जाएगा, आप पता नहीं किसके पति बनना चाह रहे। मुझे लगता है कि, और बाकियों को भी ये मैसेज दूंगा कि आप अगर ज्यादा अमीर होते हैं तो यू हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी, और आप कुछ और बड़ा बनाए बजाय कि आप ब्लिंग ब्लिंग करें। जैसे कि जैसे कि आप मार्शरी के लिए रिव्यू बना रहे हैं। अच्छा, वाह क्या बात है, अगली बार इलेक्शन हो रही है। अच्छा जी, तो ये था मेरा ख्याल व्यूज आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। काफी ज्यादा पॉपअप बैनर में आपसे जो है कह दिए क्लिक करने को, कोशिश हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आप लोगों को ज्यादा जो है ना मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए वीडियो में इंटीग्रेट करके आपको दिखाते हैं ताकि आप अपनी मर्जी की चीज़ पे वहाँ पे पहुँच सके। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने कीर्तन वाक्य लोगों का ख्याल रखिएगा, शुक्रिया। और मैं और फरहान साहब तब तक करोड़पति बनने का सफर तय करें। आप तो है हमें बनने का, कौन बनेगा करोड़पति?
अब खरबपति बनने का वेट कर रहे हैं मेरा गवार रहा मुझे। उसके अलावा मैं व्यूअर्स से ये भी कहना चाहूंगा कि हम बड़ी मेहनत से कंटेंट बनाते हैं, और मैं देख रहा था स्टैटिस्टिक्स में कि 50% जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। वो आई थिंक भूल जाते हैं, क्योंकि हम शुरू में नहीं कहते हर मतलब यूट्यूबर की तरह प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बट फिर भी मैं आपको कहूंगा कि ताकि हम अपना स्टाफ और मतलब ये फ्रीक्वेंसी और बढ़ा सकते हैं। सिंपल सी बात है कि हम चीजों को बेहतर तब कर सकते हैं जब उनको ज्यादा प्रोफेशनल लेके चले। समझ लें कि ये हम आपसे और कुछ डिमांड नहीं करते। हम जिस तरह कहते हैं ना, एक आर्टिस्ट के लिए जो आपकी ताली होती है वो एप्रिसिएशन है, तो एक यूट्यूबर के लिए या एक यूट्यूब चैनल के लिए आपकी एप्रिसिएशन जो सब्सक्राइब और लाइक का है, जिसके लिए हम कहते रहते हैं, तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उसे होगा ये कि अगर आपको हमारी एक वीडियो है, कोई भी वीडियो आप तक पहुंची अच्छी लग रही है, तो उस तरह की और मजीद वीडियो भी आप तक पहुंच जाएंगी।